हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। यूपीपीसीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा था ये, ठीक है। यूपीपीसीएस का ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 12 है धेई आईएएस का, ठीक है। और टेस्ट नंबर 12 हम सॉल्व कर रहे हैं, और हम इस टेस्ट सीरीज को कम्प्लीटली एक ही वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारे 150 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर लें, क्योंकि यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम पास में भी आ चुका है, ठीक है। और अभी कुछ टेस्ट बचे हुए हैं, तो हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्राओं पर अंकित नहीं है। भैंसा है, व्याघ्र है और गेंडा है, ठीक है। वृषभ जो है वो अंकित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन टू है, निष्क्रमण के बाद और समावर्तन से पूर्व कितने संस्कार संपन्न होते हैं। तो टोटल 7 संस्कार होते हैं जो निष्क्रमण के बाद और समावर्तन से पूर्व संपन्न होते हैं। वैदिक पीरियड का क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पश्चिमी जगत को भारत से निर्यात की जाने वाले वस्तुओं की प्रथम सूची प्राप्त होती है। आपने पढ़ा होगा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। इससे पता चलता है कि पश्चिमी जगत को भारत से क्या क्या चीज़ें निर्यात की जाती थी, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन कौन सी चीज़ें भारत से, मोती और बहुत सारी चीज़ें भारत से निर्यात की जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जब पहले से विद्यमान कर्म का क्षय कर दिया जाता है, जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है, जब कर्म जीव की ओर प्रवाहित होने लगता है, या फिर जब कर्म जीव को बांध लेता है। तो संवर एक ऐसी प्रक्रिया है जब नए कर्म के प्रवाह को रोक दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, जैन धर्म से रिलेटेड भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में परिहासपुर नामक शहर बसाया था। तो ललितादित्य मुक्तापीड ने परिहासपुर नामक शहर बसाया था, ठीक है, कश्मीर में, याद रखिएगा, ठीक है। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी कश्मीर से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बाबा फरीद आए थे, ठीक है। फिर आए थे शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। फिर आए थे शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, जिसको हम चिरागे दिल्ली बोलते हैं, शेख नसीरुद्दीन शाह को, ठीक है। और सबसे लास्ट में आए थे सैयद मोहम्मद गेसुदराज, ठीक है। तो अगर हम अरेंज करेंगे तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट शाहजहां था। दूसरा स्टेटमेंट है, मुगल काल में मनसबदारों की 33 श्रेणियाँ थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो पहला स्टेटमेंट गलत है। पहली बार मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया था वह बादशाह शाहजहां नहीं था, बल्कि जहांगीर था, ठीक है। जहांगीर ने सबसे पहले मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया था, और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो केवल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैच दी फॉलोइंग करना है आपको, मतलब मैच करना है, दुर्लभ राय, जगत सेठ, मोहम्मद रजा खां और राजा सितब रॉय, ठीक है। इसको आपको सही सूची मिलाना है। तो दुर्लभ राय जो था बंगाल नवाब का कोषा अध्यक्ष था, ठीक है। जगत सेठ जो है ये भी बंगाल का दीवान था, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। दुर्लभ रॉय बंगाल नवाब का कोषा अध्यक्ष था, ठीक है। जगत सेठ जो था वो मुर्शिदाबाद का सेठ था, ठीक है। मोहम्मद रजा खान बंगाल का दीवान था, ठीक है। बाद में बना था मोहम्मद रजा खान जब क्लाइव ने संधि कर ली थी इलाहाबाद की, उसके बाद। और राजा सितब राय जो थे वो बिहार के दीवान थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 8 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान निम्नलिखित आयोगों का स्थापित होने के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा आयोग कब स्थापित हुआ देख लेते हैं। तो मैकडोनल्ड कमीशन स्थापित हुआ था 1900 में, ठीक है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन और फर्स्ट फिस्कल कमीशन। फर्स्ट फिस्कल कमीशन हुआ था 1919 में, और फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन हुआ था 1916 में, ठीक है। तो जब क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले मैकडोनल्ड,
फिर इंडस्ट्रियल कमीशन, उसके बाद आया था फिस्कल कमीशन। तो 2, 3, 1 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उदय की संज्ञा दी थी? कैनिन, डिजराइली, एलन बरो या ग्लैडस्टोन। सो डिजराइली थे, ठीक है, ब्रिटिश सांसद थे बेंजामिन डिजराइली, ठीक है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उदय की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वंश को उनके संस्थापक से मैच करना है, ठीक है। तो वाकाटक के संस्थापक कौन थे? विंध्यशक्ति, ठीक है। पल्लव के थे, जस्ट अ मिनट, वाकाटक के थे विंध्यशक्ति, ठीक है। पल्लव के थे सिंह विष्णु, होयसेल के थे नृपकाम, और कदम के थे मयूर शर्मन, ठीक है। तो फर्स्ट का 2, सेकंड का 1, थर्ड का 4th और 4th का 3rd, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, वाकाटक के संस्थापक थे विंध्यशक्ति, पल्लव के थे सिंह विष्णु, होयसेल के संस्थापक थे नृपकाम सेकंड, और कदम वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी? सो ऐसे स्टेटमेंट यूपीपीसीएस हर बार पूछ लेता है, ठीक है। तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है, कि एक्चुअली में कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो शिक्षित भारतीयों का एक राष्ट्रीय मेला जैसा है, ठीक है, जो साल में एक बार लगता है। तो लाला लाजपत राय का ये स्टेटमेंट था। इन्होंने सेफ्टी वॉल की थ्योरी भी दी थी, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक अपने उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही के नाम से जाना था? तो आपने पढ़ा होगा महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। निम्न पर विचार करें, पंजाब का कूका विद्रोह, कृषि एवं वाणिज्य विभाग का गठन, और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन, ये सारी घटनाएं किस जनरल के कार्यकाल की है? सो कूका विद्रोह, ठीक है, कृषि एवं वाणिज्य विभाग का गठन और भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, ठीक है, इन तीनों का गठन लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में हुआ था। अब मैं कमेंट करके बताइएगा कि लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड कब से कब तक था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंदु प्रकाश, एम जी रानडे, नेटिव ओपिनियन बी एन मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल्स, गोपाल कृष्ण गोखले, और इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। सो इसका क्वेश्चन आप करिएगा, जो बॉम्बे क्रॉनिकल्स है, ठीक है, इसके राइटर्स गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया के लेखक, वो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल्स के लेखक जो है वो फिरोज शाह मेहता है, ठीक है, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, सो ऑप्शन सी गलत दिया हुआ था, बाकी सब सही सुमेलित था। इंदु प्रकाश एम जी रानडे की बुक है, और नेटिव ओपिनियन बी एन मांडलिक की बुक है, और इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर की बुक है, ठीक है, और बॉम्बे क्रॉनिकल्स के राइटर फिरोज शाह मेहता है। निम्न में से किस एक शासक ने अभिवादन का 4 तस्लीम और जम्बी बोसी के तरीके को अपनाया था? तो आपने देखा होगा सिजदा और पैबोस जो थी ये उसने अपनाया था बलबन ने, ठीक है, और 4 तस्लीम और जम्बी बोसी, ये दोनों जो अभिवादन का तरीका था वो शाहजहां ने अपनाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा तथा चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित कराया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड है नरसिंह वर्मन सेकंड ने चाइना में अपना दूत मंडल भेजा था, और चीन के जो भी बौद्ध यात्री यहाँ पे आए थे इंडिया में, वहाँ पे साउथ इंडिया में नागपट्टनम नामक जगह पे एक विहार बनवाया था, नरसिंह वर्मन सेकंड, याद रखिएगा। फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना था, निम्नलिखित में से कौन उसका सभापति चुना गया? तो 1928 का आपको याद होगा कि 1928 में बताया गया था कि भारत को चैलेंज दिया गया था बेसिकली कि अपना एक आप संविधान बना के दिखाइए, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित किया था 1928 में, वो उसके चेयरमैन भी थे, अध्यक्ष भी थे, ठीक है, और उन्होंने ही एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक अधकड़ी है? तो भारत में रेल के विकास के अगेंस्ट लिखने वाले समाचार पत्र जो था वो सहचर था, ठीक है, वो लिख रहा, वो बता रहा था एक्चुअली
कि हमें ज़्यादा डेवलपमेंट दिखा के हमारे ऊपर ज़्यादा रूल करने वाले हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो सहचर समाचार पत्र ने यह लिखा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे? तो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इसका फाउंडेशन 1928 में हुआ था, ठीक है। और इसके संस्थापक सदस्यों में रामप्रसाद बिस्मिल नहीं थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, शिव वर्मा थे और भगत सिंह थे, ठीक है। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह बेसिकली पवनार महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था, और फर्स्ट सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही विनोबा भावे, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, और तीसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। पवनार मुंबई से ये स्टार्ट हुआ था, महाराष्ट्र से। सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने चोल, पांड, केरल, पुत आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख प्राप्त है? तो अशोक का जो द्वितीय मुख्य शिलालेख है, सेकेंड शिलालेख, ठीक है, उसमें उसने बेसिकली बताया था कि अशोक के अलावा तीन और राज्य थे, चोल, पांड्य और केरल पुत। चोर, चेर, पांड्य और केरल पुत, ठीक है। तो ये सेकेंड शिलालेख में मिलता है। 23rd क्वेश्चन है, राजवंश और उसकी धातुएं, सिक्के और धातुओं का बेसिकली मैच करना है, ठीक है। तो कुषाणों ने स्वर्ण के सिक्के चलाए थे और ताम्र के सिक्के चलाए थे, ठीक है, ये बात सही है। गुप्तों ने स्वर्ण और रजत के सिक्के चलाए थे, चांदी के, ये भी सही है। सातवाहन ने स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, ये गलत है। स्वर्ण के अलावा उन्होंने मैक्सिमम जो सिक्के चलाए थे वो लेड के चलाए थे, ठीक है, सीसे के सिक्के चलाए थे। कलचुरी ने स्वर्ण, रजत और ताम्र, ठीक है, तीनों ही सिक्के चलाए थे। तो ऑप्शन सी गलत है, सातवाहन का लेड सिक्का फेमस है, ठीक है, बाकी सब सही दिए हुए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कांग्रेस के लक्ष्यों में पूर्ण स्वराज की स्वीकृति, तो पूर्ण स्वराज 1929 में बोला गया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे। बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था हमें कमेंट करके बताइएगा। द्वितीय गोलमेल सम्मेलन 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता भी 1931 में हुआ था, ठीक है। तो अगर मैच करेंगे कौन सी घटनाएं सबसे पहले हुई थी, तो सबसे पहले हुआ था बारदोली किसान सत्या, एक सेकेंड, हाँ, तो बारदोली किसान आंदोलन जो था 1928 में हुआ था, लिख लीजिए तभी आप मैच कर पाएंगे, जस्ट अ मिनट। ये 1928, ठीक है, 1931, और ये भी 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद ही सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाक खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है, डंकन पास ग्रैंड अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है, और 8 डिग्री चैनल मालदीव और श्रीलंका के मध्य है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 8 डिग्री चैनल है, ठीक है, वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, ना कि मालदीव एवं श्रीलंका को, मालदीव और मिनिकॉय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में सत्य है? यह एक ब्लॉक माउंटेन है, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ऊटक मंडरी नीलगिरी पहाड़ियों का भाग है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखें तो सारे स्टेटमेंट सही है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है, इसकी जो नीलगिरी है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ने का काम करता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है और ऊटक मंडलम नीलगिरी पे ही है, तो सारे स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। दिफू, बड़ा लासला और तुजू, इन दर्रों के बारे में पूछा है, कौन सा सही सुमेलित है? तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो सारे सही सुमेलित है, दिफू अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिला और दिफू दोनों, ठीक है। बड़ा लासला हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में रोहतांग भी है, ठीक है, और शिपकिला भी है। तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में है, ठीक है, याद रखना है आपको ये सारे। दिफू के अलावा बोमडिला भी है अरुणाचल में, ठीक है।
और बड़ा लासला के अलावा शिपकिला और रोहतांग, ठीक है, ये दोनों हैं हिमाचल में। तो सारे स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर में प्रायद्वीपीय नदियों को लगाना है। तो सबसे उत्तर में कौन सी नदी है, अगर इसमें देखा जाए तो सबसे उत्तर में आपकी हो जाएगी महानदी, सबसे पहले महानदी, ठीक है, फिर आएगी आपकी गोदावरी, फिर आएगी आपकी कृष्णा, फिर आएगी पेन्नार, ठीक है। ये है महानदी, ये है गोदावरी, ये है कृष्णा और ये है पेन्नार, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा काफ़ी वर्षा प्राप्त होती है, साउथ वेस्ट मानसून। यह पश्चिमी घाट पर्वत वृष्टि छाया, सॉरी काफ़ी कम वर्षा प्राप्त होती है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। यह पश्चिमी घाट पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो आपने देखा होगा जब भी आप साउथ वेस्ट मानसून का आप जब भी बात करते हो तो ये ऊपर से निकल जाती है, ठीक है। ये वाला जो तमिलनाडु वाला एरिया है यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है क्योंकि ये विस्तृत छाया प्रदेश में पड़ता है। इससे नॉर्थ ईस्ट जो मानसून आती है उससे वर्षा होती है यहाँ पे, और यहाँ पे जाड़े में वर्षा होती है, आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही रीज़न भी है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो नहीं वर्षा करा पाता है तमिलनाडु में। अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। तो अफ्रीका में जो तुआरेंग जनजाति है, तुआरेग, ठीक है, ये सहारा मरुस्थल में ही पाई जाती है बेसिकली, और एक क्या बोलते हैं कि एक डायरेक्शन देने का काम करती है, तो वह है तुआरेग जनजाति। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों पर आधारित ज्वार भाटा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है ये। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब लघु ज्वार आता है, जब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। तो एक्चुअली ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उल्टा दिया हुआ है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे में आते हैं तो बृहद ज्वार आता है, ठीक है, तीनों एक सीध में आ गए, बृहद ज्वार आएगा। और जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे, तो उस समय लघु ज्वार आता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते हैं, उपयुक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब ऐसा कंडीशन जहाँ पे वर्षा कम होती है, लोग जनरली घूमते रहते हैं, पशुचारक का काम करते हैं और जलवायु जो है बहुत एक्सट्रीम है, ठीक है, तो ये मध्य एशियाई जो स्टेपीज वन है उसके लिए है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरणों पर विचार कीजिए। टैगा, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और टुंड्रा, निम्नलिखित इन पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरणों में एल्बेडो मुख्य का घटता क्रम है, किसका एल्बेडो सबसे ज्यादा होगा उससे तुम्हें कम की ओर जाना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो सबसे कम एल्बेडो, सबसे ज्यादा एल्बेडो टुंड्रा का होगा क्योंकि पूरे स्नो कवर होंगे, एल्बेडो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रकाश का परावर्तन हो पाएगा, ठीक है। टुंड्रा के बाद आप जाओगे टैगा में, टैगा के बाद पर्णपाती में, फिर सदापर्णी में, मतलब ये कि आप पोलर एरिया से, ठीक है, इक्वेटर तक आ रहे हो, टुंड्रा, टैगा, ठीक है, पर्णपाती और फिर सदापर्णी, ठीक है, तो 4132 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 33 का। निम्नलिखित में से कौन भारत की मानक समय रेखा के सर्वाधिक निकट है, ठीक है, तो भारत का जो स्टैंडर्ड लाइन है, ठीक है, उसके सर्वाधिक निकट की बात करें तो अमरकंटक है, ठीक है, जब इंडिया की आप बात करते हो तो यहाँ पे अमरकंटक प्लेट्यू पड़ता है और यहीं से हमारी मानक समय रेखा पास होती है, ठीक है, तो सबसे निकट यही मिलेगा। महेंद्रगिरी आपको पता है नीचे इधर ईस्टर्न साइड में मिलेगी, ठीक है, ये अमरकंटक है, यहाँ पे महेंद्रगिरी है, नीलगिरी यहाँ पे मिलेगी और अन्नामलाई भी नीचे ही मिलेगी, ठीक है, तो सबसे क्लोज अमरकंटक मिलेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़े मैपिंग से रिलेटेड है, एक बार जरूर आप इंडिया की मैप पे एक बार अपना हाथ प्रैक्टिस करके जाइएगा, काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना जब आप पे आपकी मैपिंग पे कमांड होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लेमरू छत्तीसगढ़ में है, लेमरू क्या है, एक एलिफेंट रिजर्व है। बादल खोड़ तमोर पिंगला, ये अभी नया 53rd टाइगर रिजर्व बना है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का है ये भी, ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ का है। सोनितपुर असम में है और इटांगी नेशनल पार्क नागालैंड में है, तो क्या सही सुमेलित नहीं था, बादल खोड़ तमोर पिंगला, ये 53rd टाइगर रिजर्व है इंडिया का, जो कि गुरु घासीदास के साथ बात बना हुआ है, ठीक है, गुरु घासीदास का पूरा नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। दो छोटे छोटे वाइल्ड लाइफ रिजर्व को हमने यहाँ पे मिला के
क्या बनाया है, टाइगर रिजर्व बनाया। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है? तो ईस्टर्न घाट की बात करें तो कौन सी पहाड़ियाँ ईस्टर्न घाट में नहीं आती हैं? तो गडजात पहाड़ियाँ नहीं आती क्योंकि ये ओडिशा में, ठीक है, ये ऊपर पड़ जाती हैं। ठीक है, अगर इंडिया का मैप की आप बात करोगे तो गडजात पहाड़ियाँ यहाँ पर पड़ती है, बाकी नल्ला मलाई, महेंद्रगिरी और शेवरॉय ये यहाँ पर आती हैं, ये ईस्टर्न घाट की पार्ट हैं, जबकि उड़ीसा की गडजात पहाड़ियाँ ईस्टर्न घाट की पार्ट नहीं है, ये काफ़ी ऊपर मिल जाती है हमें। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? झेलम, वेरीनाग, गंगा, गंगोत्री, यमुना, जलायच्यू और ब्रह्मपुत्र चेम्यांगडोंग। कौन सा आपको बता रहा है किसका उद्गम स्थल सही नहीं है? ठीक है, तो आपको पता होगा झेलम वेरीनाग से निकलती है, गंगा गंगोत्री हिमानी से निकलती है, यमुना जो है ये बंदरपुच ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, बंदरपुच ग्लेशियर से निकलती है, तो ये सही सुमेलित नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी। 90 डिग्री पूर्वी कटक स्थित है, तो 90 डिग्री की बात करोगे ईस्टर्न वाली, तो ईस्टर्न इधर मिलेगी कुछ, ठीक है, और ईस्टर्न जो मिलती है ये कहाँ पे मिलेगी आपको? ठीक है, तो ये आपको बेसिकली मिल जाएगी हिंद महासागर में, इंडियन ओशन यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो इंडियन ओशन से पास करती है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या से सम्मिलित है? उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड नहीं आता है, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आता है। ठीक है, नोह कलिकई जल प्रपात कहाँ स्थित है? तो नोह कलिकई जो वाटरफॉल है ये मेघालय में है। ठीक है, मैच करना है सूची वन को सूची दो से। ठीक है, लोह इस्पात डेट्रॉइट फेमस है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, लोह इस्पात के लिए डॉट मुंड फेमस है, पोत निर्माण के लिए पोर्ट्स माउथ फेमस है, वायुयान के लिए एविएशन के लिए बेंगलुरु फेमस है और मोटर गाड़ी के लिए डेट्रॉइट फेमस है। ठीक है, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है, क्यों? इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन जो है इसका, अब वो है समुद्र तट से दूर स्थित है ये। ठीक है, इसलिए इसका तापांतर सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है, ताप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, गर्मी में खूब गर्मी और जाड़े में खूब जाड़ा पड़ता है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तेल क्षेत्र और उसके रिलेटेड देश बताने हैं। ठीक है, तो बात की जाए 43 क्वेश्चन नंबर 43 की, तो इराक का है किरकुक, ईरान का है अघाजारी, सऊदी अरब का है घावर और कुवैत का दुखान नहीं है, दुखान जो है वो भी सऊदी अरबिया का ही है, दुखान जो है वो कतर का है। ठीक है, दुखान जो है वो कतर का है, कतर का तेल रिजर्व है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, बाकी सब सही मैच है। निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा युग्म एक ही वर्ड किसे संबंधित है? तो घास के मैदानों की अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 44 की, तो स्टेपीज जो है वो अलग है, बाकी कंपोज और डाउन सही है। ठीक है, कंपोज और डाउन सही है, स्टेपीज और सवाना सही है, सवाना और प्रेरी सही है, कंपोज और सवाना नहीं सही है। इसका रीज़न ये है कि कंपोज और सवाना, ठीक है, ये तीनों जो हैं बेसिकली टेम्परेट जोन से आती हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, देखो डाउन्स जो है वो टेम्परेट है, तो कंपोज जो है ट्रॉपिकल है, तो गलत हो गया। ठीक है, सवाना जो है ये ट्रॉपिकल है, तो स्टेपीज जो है वो टेम्परेट है। ठीक है, सवाना जो है वो ट्रॉपिकल है और प्रेरी जो है वो टेम्परेट है, कंपोज और सवाना दोनों ही ट्रॉपिकल है। ठीक है, इसलिए वो एक ही से सुमेलित है, एक ही युग्म की है। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा है शीत एवं शुष्क पवन है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्रल जो है वह शीत और शुष्क पवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का डी। 46 देख लेते हैं, चीन के पूर्वी तटीय नगरों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर नगरों का सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने मैपिंग की है तभी आएंगे आपको, नहीं आ रहा है तो आप ऐसे क्वेश्चंस इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इतना याद नहीं रहता है हर एक क्या बोलते हैं कंट्री के बारे में। ठीक है, तो आप इग्नोर कर सकते हो। फिलहाल इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, सबसे उत्तर में टिटनिस है, ठीक है, उसके बाद है सिंगटाओ, उसके बाद है संघाई और सबसे नीचे है कैंटन। सिंगापुर द्वीप और मलय द्वीप को अलग कौन सी जल संधि करती है, कौन सी स्ट्रेट करती है?
तो जोहार जल संधि जो है वो सिंगापुर को मलयद्वीप से अलग करती है। पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब का कारण क्या है? तो पृथ्वी के महासागरीय तल पे जो दो महासागर दो उसके बीच में ज्वारों के बीच में जो विलंब होता है 52 मिनट का, ठीक है ना, उसका मेन रीजन जो है पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और चंद्रमा जो है परिक्रमा करती है पृथ्वी का, ये दोनों रीजन है। ठीक है, ज्वारों के मध्य डिफरेंस का, तो क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ओपिसोमीटर जो है बेसिकली इसका प्रयोग जो होता है वो दूरी मापने में किया जाता है, कर्व लाइंस को, ठीक है, कर्व लाइंस को मापने में ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ताप व्युत्क्रम का योगदान नहीं है? तो ताप व्युत्क्रम मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन में दीर्घ ठंडी रातें जो होती हैं वो योगदान नहीं करती हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन हिमच्छादित सतह पर होता है, शांत वायु में होता है और मेघाच्छादित आकाश में हो सकता है। ठीक है, तो दीर्घ ठंडी रातें ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं देती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार साधन है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व साध्य। रीजन कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 51 की बात करें तो दोनों ही बात सही है कि हम इसको बोलते हैं कि ये साधन है, कौन, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी, सॉरी फंडामेंटल राइट्स, जबकि जो हमारे DPSPs हैं नीति निर्देशक तत्व, उसको हम साध्य मांगते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे बहुत सारे लॉज बनाए जा सकते हैं नीति निर्देशक तत्व की वजह से, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये बात सही है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कथन और कारण नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। आम चुनावों के बाद जब लोकसभा की प्रथम बैठक आहूत की जाती है तो प्रधानमंत्री लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, प्रधानमंत्री नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। और पॉलिटी में ऐसे ही क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। ठीक है, जीवी मावलंगर लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे, तो ये बात सही है, ये पहले प्रोटेम स्पीकर थे और सबसे पहले स्पीकर भी बने थे। ठीक है, दोनों ही बात इन्हीं से रिलेटेड है कि इंडिया का पहला प्रोटेम स्पीकर भी वही है और स्पीकर भी वही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन स्टेटमेंट ए गलत था, स्टेटमेंट बी सही था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के साधन है? तो कार्यपालिका पर आप कैसे नियंत्रित कर सकते हो? ठीक है, तो प्रश्नकाल कर सकते हो, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो, ध्यानाकर्षक प्रस्ताव ला सकते हो, अनुपूरक क्वेश्चन पूछ सकते हो, निंदा प्रस्ताव ला सकते हो। विश्वास प्रस्ताव लाओगे तो फिर कार्यपालिका पे नियंत्रण तो होगा नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो मतलब रूलिंग पार्टी है उस पर आप नियंत्रण कैसे कर सकते हो विश्वास प्रस्ताव ला के? अगर आप विश्वास ला रहे हो मतलब कि आप उसके हर एक काम को सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 एलिमिनेट करो, ऑप्शन आपको आंसर मिल जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का सरला मुद्गल बनाम भारत संघ वाद 1995 में हुआ था, यह किससे रिलेटेड है? तो सरला मुद्गल बनाम भारत संघ जो वाद है वो आर्टिकल 44 सामान्य नागरिक संहिता से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा, सरला मुद्गल का केस है। ठीक है, जो हमारा समान आचार संहिता से या सामान्य नागरिक संहिता से रिलेटेड है। राज्य के पात्र अध्यापकों द्वारा चुने गए विधान परिषद सदस्यों की संख्या राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या से कम होती है? भारत के किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 55 की बात हो रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 40 होनी ही चाहिए, विधान परिषद है तो किसी भी राज्य में। ठीक है, और ये बात भी सही है कि जो राज्यपाल 16 लोगों को मनोनीत करते हैं, ठीक है, और उससे कम संख्या होती है जो राज्य के अध्यापक चुन के आते हैं विधान परिषद में। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची में संबंधित नहीं है? तो संघ सूची के विषय और स्टेट लिस्ट में क्या आता है, समवर्ती सूची में क्या आता है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कृषि, सिंचाई और सड़कें, ये राज्य सूची का विषय है, स्टेट का विषय है ये। ठीक है, बाकी युद्ध और संधि संघ में आती है, हवाई मार्ग संघ में आती है, बैंक, बीमा और खाने भी संघ में आती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको या किन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने देखा जाए तो अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 227 तीनों को अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा अनुच्छेद 32 और 226 किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 257, आर्टिकल 292, 293 और 275। ठीक है, तो आर्टिकल 275 जो है ये व्यय एवं पेंशन संबंधी समायोजनों से नहीं है, स्टेट को ग्रांट देने से, ग्रांट टू स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सही है कि 257 जो है कुछ मामलों में संघ का राज्य के ऊपर नियंत्रण, 292 जो है वो भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार और 293 जो है राज्य द्वारा लिया गया उधार है। ठीक है, 59 देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो पार्ट 4 में देखा जाए तो क्या क्या है, तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन है, कृषि एवं पशुपालन का गठन है और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता भी है। तो तीनों ही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डीपीएसपी की बात हो रही थी यहाँ पे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, मनोनीत नहीं। ठीक है, और लोकसभा की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किस एक के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं देता? तो जितने भी सैनिक न्यायालय होते हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष अपील की इजाजत नहीं होती है उनके विरुद्ध अपील की। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, कब करती है? जब उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए तब। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्टिकल 249 रिलेटेड है, सॉरी आर्टिकल 312 है अखिल भारतीय सेवा से रिलेटेड। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्य महाधिवक्ता के संबंध में सत्य नहीं है? अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, ये सही है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, ये भी सही है। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को सुनिश्चित किया गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है, ये सही है। तो क्या गलत है? ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, संविधान नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, सॉरी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है। ठीक है, 64 देखते हैं। अनुच्छेद 350 ख के अनुसार वर्ष 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक हेतु एक विशेष अधिकारी कार्यालय की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके मुख्यालय जो है वो कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, सॉरी प्रयागराज में है। भाषाई अल्पसंख्यक हेतु एक विशेष अधिकारी का जो कार्यालय है वो प्रयागराज में है। ठीक है, इसके 3 सब रीजनल डिविजन है, वो आप देख लीजिएगा, एक कर्नाटका में है, ठीक है, एक चेन्नई में है और एक जो है वो कोलकाता में है। ठीक है, और जो मेन हेड ऑफिस है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पद ग्रहण की तारीख से 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है, जबकि जो यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू प्रावधानों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों के लिए अनिवार्य प्रावधान नहीं है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो बेसिकली पंचायती राज से रिलेटेड था। ठीक है, और पंचायतों में किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण ये राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है, ये राज्य चाहे तो कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी के जो तीनों हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, महिलाओं का आरक्षण और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, ये तीनों जो है ये लागू करना राज्य का कर्तव्य है। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने, या किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा
सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। इसमें विदेशों से अर्जित साधन आय सम्मिलित नहीं की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 की बात की जाए तो केवल पहला सही है, ठीक है। इसमें विदेशों से अर्जित आय और साधन भी सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं, मैच करना है, ठीक है। अर्थ जो मॉडल्स हैं पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पे थी, पहली जो थी हेराल्ड डोमर पे थी, ठीक है, और द्वितीय जो थी वो महान लोबिस पे थी, और छठी जो थी आगत निर्गत मॉडल थी, ठीक है। तो डी का 1, सी का 2, बी का 4, ठीक है, और ए का 3, मतलब आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी। 69 देखते हैं, भारत में निर्धनता के माप हेतु प्रयोग किया जाता है। तो भारत में निर्धनता के मापन के लिए निरपेक्ष प्रतिमान प्रयोग किया जाता है, ठीक है, निरपेक्ष याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये क्वेश्चन आया था अभी उत्तराखंड पीसीएस में। यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, गलत है ये। यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है, ये भी गलत है। यह किसी देश की केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है, ये भी गलत है। ये किसको ऋण प्रदान कर सकता है, केवल सदस्य देशों को, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में यही सही कथन है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं, 71 अभी बचा हुआ है, सॉरी। विनिवेश को रखा जाता है, विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट को बेसिकली हम किस में रखते हैं, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। 72 देखते हैं, वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कैसे होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो वसूली और अधिप्राप्ति मूल्य जो होता है वो बराबर या उससे अधिक हो सकता है किंतु कम नहीं हो सकता, ठीक है, एमएसपी से। क्वेश्चन नंबर 73 है, लघु विद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990। ये सारे बैंक तो आपको रट ही जाने चाहिए क्योंकि ये हर बार पूछ लिया जाता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो है 1964 में बना था, ठीक है। भारतीय आयात निर्यात बैंक जो बना था 1982 में बना था, ठीक है, जनवरी में। और मुद्रा बैंक जो बना था 2015 में बना था, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसको हम मैच करें तो 2, 3, 1, 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। M1 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो M1 जो होता है बेसिकली उसमें चलन में जो करेंसी होती है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, बाकी जनता के पास जो करेंसी होती है उसको सम्मिलित किया जाता है, बैंकों के पास जमा राशियाँ और रिजर्व बैंक के पास जो जमा राशियाँ होती है वो भी सम्मिलित किया जाता है, बस क्या नहीं होगा, जो चलन में करेंसी है उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, जब किसी वस्तु की कीमत गिरे और कुछ लोग यह सोचकर उसकी मांग में कमी कर दें कि उसकी कीमत में गिरावट उसकी गुणवत्ता में गिरावट के कारण हुई है, तो ऐसे प्रभाव को हम क्या बोलेंगे। सो ऐसे प्रभाव को हम बेसिकली बोलते हैं बेबलिन प्रभाव, ठीक है। जब वस्तु की कीमत भी गिरे और उसकी डिमांड में कमी हो जाए क्योंकि लोगों को ये लगे कि उसकी गुणवत्ता कम हो गई है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेबलिन प्रभाव, ठीक है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इस इन इंडिया के लेखक कौन है, तो द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इसके जो लेखक हैं, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्र, ठीक है, बिपिन चंद्र ने इस बुक को लिखा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 जो है, ठीक है, देखते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रायः हॉट मनी कहा जाता है, इसमें अर्थव्यवस्था से पलायन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो आर गलत है, इसमें अर्थव्यवस्था से पलायन करने की प्रवृत्ति होती है इसीलिए इसको हॉट मनी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। स्टैगफ्लेशन क्या है, तो स्टैगफ्लेशन की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, ये मंदी के साथ मुद्रास्फीति, मतलब एक तो मंदी भी है और मुद्रास्फीति भी हो जाए, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष से सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण केवल राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में होने लगा, तो पहले हम सार्वजनिक व्यय को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 से केवल दो पार्ट में हम देखते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा विभाग केंद्र सरकार के सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है, ठीक है। तो केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली है उस पर निगरानी रखने का काम बेसिकली व्यय विभाग करता है,
जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अवरोधक तत्व क्या है? तो अल्पविकसित जितने भी देश हैं उनमें बेसिकली पूंजी निर्माण नहीं हो पाता, ठीक है, कैपिटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? इसमें मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर सही सभी कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो मुद्रास्फीति जो होती है उसमें मुद्रा के मूल्य में वृद्धि नहीं बल्कि कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है और ओंडोमीटर से, ठीक है, ओंडोमीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है। कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना सही है, हॉर्टिकल्चर बागवानी, वर्मी कल्चर मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन को हम पिसी कल्चर बोलते हैं, ठीक है, और वर्मी कल्चर से हम केचुए के उत्पादन को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत है, बाकी सही है, एपिकल्चर से मधुमक्खी पालन होता है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, ठीक है, श्वेत या फिर WBCs का मेन कार्य है। 86 है, आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी और उपयुक्त प्राकृतिक चिकित्सा दैट इज नेचुरोपैथी, इसे किन्हें भारत की चिकित्सा पद्धति में शामिल किया गया है? तो ये चारों ही भारत की चिकित्सा पद्धति में, आयुष, ठीक है, आयुर्वेद, यूनानी, आयुर्वेदिक, ठीक है, सिद्धि, ये सारे चीज़ जो है, योग, देखो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि और प्राकृतिक नेचुरोपैथी, ठीक है ना। ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन होता है? तो जितने भी ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड्स भी, सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी बनते हैं और पारा भी बनता है, मतलब ये तीनों चीज़ का ही उत्सर्जन होता है। जल प्रदूषक और उससे रिलेटेड निष्कासन विधि पे मैच करना है, अमोनिया आयन विनिमय, पारा प्रतिलोम परासरण और फिनोलिक बहुलक अवशोषण द्वारा। तो मर्करी जो होता है, मतलब पारा, उसका प्रतिलोम परासरण द्वारा नहीं होता है निष्कासन, उसका निष्कासन भी आयन विनिमय विधि द्वारा होता है, ठीक है। तो दूसरा गलत दिया हुआ था, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे ही हम दाब बढ़ाते हैं ध्वनि की चाल में इससे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने के लिए हम बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एरोसॉल क्या है? तो एरोसॉल बेसिकली होता है आपका गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एरोसॉल। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं, सॉरी 92। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में, पोटेशियम सल्फेट बारूद बनाने में, और सिल्वर नाइट्रेट अंगुलियों पर निशान लगाने वाली स्याही में। पोटेशियम सल्फेट का यूज़ हम बारूद बनाने में नहीं करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित माना जाता है, अंडा चांदी से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इसीलिए चांदी के चम्मच से हम अंडा खाना वर्जित मानते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। 94 देखते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका क्लोरिफिकेशन होता है, क्लोरीनीकरण, ठीक है, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अगेंस्ट आता है, डोपिंग के मामले आपने सुने होंगे, ठीक है। फॉस्फोरस खनिज शरीर में अम्ल तथा क्षार के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक है, सभी अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, तो दूसरी बात तो बिल्कुल सही है, सारे अमीनो एसिड्स नहीं बनते हैं, केवल 10 बनते हैं, ठीक है, 10 नहीं बनते हैं, टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और फॉस्फोरस नहीं, अम्ल क्षार बैलेंस करने के लिए कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फॉस्फोरस नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना तो 1 ना तो 2।
जस्ट अ मिनट, सभी अमीनो एसिड हमारे बॉडी में नहीं बनते, ये बात सही है ठीक है, और फॉस्फोरस खनिज का ही यूज़ किया जाता है अम्ल क्षार के बैलेंस के लिए ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन इन्होंने असत्य कथन पूछा था, तो ना तो वन ना तो दो हो जाएगा ठीक है। माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है ठीक है, क्लोरेला एंटीबायोटिक है, एना बिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। तीनों ही सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत है। सो जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो ग्लूकोज बनता है, सॉरी ग्लूकोज के का जो ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6, इसमें जो ऑक्सीजन है यही पूछा जा रहा है, ये कहाँ से आता है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। व्हेल, चमगादड़, चीता था मनुष्य के अग्रपाद किसके उदाहरण है, तो समजात अंग है ये, सबके जो अंग है समजात है, मतलब कि उनकी उत्पत्ति तो सेम हुई है लेकिन सबका अलग अलग काम है ठीक है। समुद्र की तली पर मौजूद जीवों को क्या कहा जाता है, तो जो तली पे मतलब एकदम समुद्र में नीचे एकदम जो जीव मिलते हैं उनको हम बैंथोस कहते हैं ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम 50-50 क्वेश्चंस का ही सीरीज रखें या फिर ऐसे ज़्यादा सही है एक ही सीरीज में पूरे चैप्टर पूरे टेस्ट सीरीज को कवर कर देना ठीक है। बायोगैस उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, बायोगैस उत्पादन में हम किसका यूज़ करते हैं, तो इसमें हम बेसिकली मिथाइनोबैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं, और मिथाइनोबैक्टीरिया जो होती हैं ठीक है वो उनको आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है बायोगैस प्रोडक्शन में। जाइलम का बहुत कम विकास किन पौधों में होता है, तो जो जल के अंदर बिल्कुल अंदर होते हैं ठीक है उनमें जाइलम का जो विकास होता है बहुत कम होता है ठीक है, तो निमग्न जलोद्भिद पौधे होते हैं जो एकदम अंदर होते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, कारण क्या नहीं है ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता बढ़ जाती है ना कि घट जाती है, तो ये कारण नहीं है, बाकी लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है ठीक है, और ठीक है क्षमता घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। निम्न में किसका द्रव्यमान तथा आवेश मतलब चार्ज शून्य होता है, तो द्रव्यमान भी शून्य हो और आवेश भी शून्य हो, तो ये बेसिकली होता है न्यूट्रिनो और फोटोन दोनों का, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता और चालक की चालकता क्या होती है, तो जब हम ताप बढ़ाते हैं ठीक है तो अर्धचालक की चालकता जो होती है वो बढ़ती है और जो चालक की चालकता होती है वो घटती है ठीक है, अर्धचालक एकदम विपरीत काम करता है चालक से, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीएच मान बताना है आपको ठीक है, तो सिरका का जो पीएच होगा ठीक है वो आपका कितना, समुद्री तल, दूध, सिरका और शराब का पीएच बताना है आपको, तो समुद्री तल का पीएच जो होता है वो 8.4 होता है, मतलब कि बेसिक नेचर का होता है ठीक है। दूध का जो पीएच होता है 6.4 होता है, बैलेंस में आ सकते हो आप, 7 के आसपास के रेंज है ये। सिरका का जो पीएच होता है बहुत कम होता है 2.4, सबसे ज़्यादा खट्टा होता है, और शराब का पीएच 2.8 होता है ठीक है, क्योंकि शराब जो होता है वो एसिटिक एसिड के बाद बेसिकली एसिटिक एसिड से बना होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 107 है, जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक हो तो उनके मिश्रण को पृथक करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या होती है, जब दो द्रवों के क्वथनांक में का गैप अलग हो बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम डिस्टिलेशन आसवन विधि से अलग करते हैं। एक बार आप टेक्निक्स देख लीजिएगा, सेपरेशन टेक्निक्स जो है। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है, ठीक है तो निकेत एक सूक्ष्म निवास होता है, बिल्कुल सही है, सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनेल्स ने किया था, ये भी सही है। एक निकेत में पौधे एवं जीवों की विभिन्न प्रकार की जातियाँ एवं उपजातियाँ एक साथ निवास करती हैं, ये स्टेटमेंट गलत है ठीक है, यही सही ऑप्शन होगा, अलग अलग जातियाँ और उपजातियाँ अलग अलग निवास करती हैं, निकेत किसी एक पर्टिकुलर जाति को ही हम बोल जाति के निवास स्थान को ही बोलते हैं, किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है, तो ये सही है ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है, तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से जो संबंधित समझौता है वो है 1979 का बॉन ठीक है, बॉन समझौता।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग किस एक प्रदूषक को मापने की प्रमुख इकाई है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो जल प्रदूषण को मापने की इकाई है, ठीक है। वायु प्रदूषण को मापने की इकाई लाइकेन है, जैसे कि जहाँ पे भी लाइकेन का उगना कम हो जाए मतलब वहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता है? नहीं, सीधा होता है, ठीक है। ऊर्जा का स्थानांतरण सीधा होता है, ठीक है। ऊर्जा स्थानांतरण के 10% का नियम लिंडेलाल ने दिया था, ये सही है। लिंडेमान ने 10% लॉ दिया था ऊर्जा स्थानांतरण का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें तो असत्य कथन पूछा है, तो असत्य पहला वाला है, केवल एक सही होगा। 112 देखते हैं, पूर्ण स्तंभ पैरासाइट कौन सा है? तो आपने पढ़ा होगा कि टोटल स्टेम पैरासाइट जो है, ठीक है, वो है अमरवेल, ठीक है। लॉरेंथस जो है वो पार्शियल पैरासाइट है, ठीक है। और चंदन भी, चंदन जो है पूर्ण स्तंभ नहीं है, पूर्ण मूल है, मतलब कि रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट है चंदन। और स्तंभ पूछा था मतलब कि स्टेम पैरासाइट, वो अमरवेल था। जनघनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व चित्रकूट जिले में है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनघनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो ये भी सही है। 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसका जो चित्रकूट नहीं है जनघनत्व में, ललितपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 114। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 11.79% कंट्रीब्यूट करता है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? भारत में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य केरला है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र दिल्ली है, और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र दमन एंड दीव है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। हरियाणा है। एक सौ सोलह देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार शीर्ष लिंगानुपात वाले संघ शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का स्थान कितना है? तो चंडीगढ़ जो है वो 5वें स्थान पे, ठीक है। आगरा के किले का निर्माण जहांगीर ने करवाया था? काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कौन सा कथन सत्य है? तो आपको पता होगा कि आगरा का जो किला है वो अकबर ने बनाया था, ठीक है, जहांगीर ने नहीं बनाया था, ठीक है। तो केवल 2 सही है कि अथर्ववेद में काशी का उल्लेख मिलता है सबसे पहले। धोबिया राग नृत्य के संबंध में असत्य कथन बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, यह बुंदेलखंड का क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। यह केवल पुरुष नर्तकों द्वारा किया जाता है, सही है। यह जन्म विवाह दशहरा आदि अवसरों पर किया जाता है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, ये बात सही है, बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी था, अगर आपको थोड़ा भी पता होता तो ए और डी में से कोई एक ही सही होगा। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 1936 में, कांग्रेस का अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ था, तो करेक्ट करके आप याद कर सकते हो। उत्तर प्रदेश में बेला सागर नामक कृत्रिम झील कहाँ अवस्थित है? तो बेला सागर नामक जो कृत्रिम झील है वो महोबा में स्थित है, याद रखिएगा। महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। महिगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, तो सोनभद्र जिले में नहीं बल्कि बिजनौर जिले में मिलती है महिगीर जनजाति, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए गलत है, आर सही है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ललितपुर की जड़ी सिल्क साड़ी, अयोध्या का गुड़, हाथरस का हथकरघा और हमीरपुर के जूते। तो हमीरपुर के जूते तो सही है, हाथरस का हींग फेमस है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है प्रयागराज की, और सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो भी प्रयागराज है, 12 जिले आते हैं, 12 सीट्स मिलती है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले आयोजित कहाँ होते हैं? सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना द्वारा होती है। नरौरा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र का प्रथम इकाई से व्यावसायिक उत्पादन 1 जनवरी 1992 से शुरू हुआ। तो 125 की बात करें तो 1 जनवरी नहीं, 1 जुलाई 1992 से शुरू हुआ,
ठीक है, बाकी सही है, तो केवल असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन बी असत्य हो जाएगा। 126 देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी के बीच किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो एक तो ये याद रखना है कि सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है प्रयागराज से नैनी के बीच हुआ था, और किस वर्ष प्रारंभ हुआ था ये, तो ये बेसिकली 1911 में प्रारंभ हुआ था। निधि 2.0 योजना का संबंध किस मंत्रालय से? तो ये बेसिकली पर्यटन मंत्रालय से। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस फॉर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय से रिलेटेड है। सितंबर 2021 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात गुलाब का नामकरण किसने किया था? तो गुलाब का नामकरण जो है ये बेसिकली पाकिस्तान ने किया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव लेह में मनाया गया। वतन प्रेम योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से? तो यह बेसिकली गुजरात राज्य से रिलेटेड है वतन प्रेम योजना। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता मोहम्मद अजमत साकिब का संबंध किस देश से? तो मोहम्मद अजमत साकिब जो है वो बेसिकली पाकिस्तान से, ठीक है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन लेह जिले में किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो गोवा छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार वाला क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 2021 में आयोजित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कुल कितने विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार से टोटल 51 विजेताओं को सम्मानित किया गया है, ठीक है, 2021 में 2020 के लिए। अक्टूबर 2021 में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया, जो उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है, ठीक है। तो अग्नि 5 है, 5000 किलोमीटर का लक्ष्य है, ईजी है याद करना। 136 देख लेते हैं। 18वें भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन में किस वर्ष को भारतीय आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी 2022, मतलब जो करंट वर्ष चल रहा है इसी को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल राज्य का पुरस्कार मिला? तो फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल राज्य का पुरस्कार सिक्किम को मिला है, ठीक है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार किस राज्य की स्कीम, किस राज्य की योजना है? तो ये मध्य प्रदेश की योजना है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्थुंगर हिल्स द्वारा संयुक्त रूप से जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 101 सगुन का रैंक है, याद रखिएगा 101वीं रैंक है भारत की। निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2021 का विजेता नहीं है? तो मोनेबो, हैसलमैन और पेरिसी, ये तीनों ने भौतिकी का नोबेल प्राइज़ जीता था। बेंजामिन लिस्ट जो है वो केमिस्ट्री में जीते थे, ठीक है, ये भौतिकी से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2021 का राइट लाइवलीवुड अवार्ड किसे प्राप्त किया गया था, हुआ था? तो 2021 का जो राइट लाइवलीवुड अवार्ड है, ठीक है, वो लाइफ जो इंस्टीट्यूट है उसको प्राप्त हुआ था। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हमारी रैंकिंग 71 है। निम्नलिखित में से किस मध्य एशिया देश के साथ भारत ने कजिंद किया है? तो इंडिया कजाकिस्तान के साथ कजिंद है, काज इंड याद रख सकते हो, कजाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। 144 देख लेते हैं। सुरक्षित शहर सूचकांक जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है, दोनों याद रखना है कि भारत के दो सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं? तो मुंबई और दिल्ली दो सबसे सुरक्षित शहर हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के सुरक्षित शहर सूचकांक लिस्ट के अनुसार। निम्नलिखित में से टोक्यो पैरालंपिक के संदर्भ में आपको बताना है। अवलीला खेला ने पैरालंपिक में 2 पदक जीता, बात सही है, 1 गोल्ड और 1 कांस्य। मरियप्पन थंगवेलु जो थे वो ऊंची कूद में कांस्य विजेता थे। सुमित अंतिल जो है स्वर्ण पदक मिला इनको भाला फेंक में, ये भी सही है। देवेंद्र झरझरिया को भाला फेंक में रजत पदक मिला। तो जो मरियप्पन थंगवेलु है इनको सिल्वर मिला था, ठीक है, बस यही गलत था, बाकी सब सही सुमेलित था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय महिला किस राज्य में महिलाओं बेटियों को स्वावलंबी और सुरक्षा के लिए उन्हें जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो मिशन शक्ति जो अभियान है
वो उत्तर प्रदेश की अभियान है, ठीक है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन। मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो हुआ था उसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं हुआ था? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास में रशिया नहीं था, ठीक है। ROTEP केंद्र सरकार द्वारा RODTEP योजना के दिशा निर्देशों और दरों को अधिसूचित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो RODTOP जो है, ठीक है ना, ये बेसिकली निर्यात और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने से रिलेटेड है, ठीक है। अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश भर में वित्तीय समावेशन के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की गई, जिसका आधार वर्ष क्या होगा? तो वित्तीय समावेशन सूचकांक की जो आधार वर्ष है, ठीक है, कोई भी आधार वर्ष नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी उसका आधार वर्ष नहीं रखा गया है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उस पूरे टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा तपस उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो तपस जो ऑनलाइन पोर्टल है, देखने से लग रहा होगा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है, ऑप्शन बी। सो इस तरह हमने 150 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आपको कैसा लगा ये सीरीज बताइएगा। आप हमें ये भी बताइएगा कि हम 50-50 क्वेश्चन का ही सीरीज करें या फिर एक साथ 100 क्वेश्चन करना सही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टेस्ट नंबर 12 था, याद रखिएगा। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।